भारत पाकिस्तान सीमा से चंद किलोमीटर पहले पड़ता है पंजाब का शजराना गांव। किसान अजय कुमार यहीं रहते हैं। अजय जैसे और बहुत से किसानों पर इस वक्त पीढ़ियों से चली आ रही खेतीबाड़ी से रोजी रोटी खत्म होने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस जमीन पर फसल तो बिल्कुल नहीं होती। हम ठेके पर जमीन लेकर खाने लायक कुछ उगाते हैं। कर्ज भी है 4-5 लाख रुपए। कर्ज भी है। बर्फ की तरह नजर आ रही ये महीन परत दरअसल नमक है। एक जमाने में उपजाऊ रहे इस इलाके में ये इन दिनों आम नजारा है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ा और किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ। थले पानी खा रहा है, नीचे पानी खा रहा है। हम बीज डालते हैं, हल चलाते हैं, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है या बहुत कम पैदा होती है और फिर मर जाती है। पंजाब को अपना नाम उसके मैदानों से होकर बहने वाली 5 नदियों की वजह से मिला है। 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने पंजाब की खेती को बदल डाला। ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए संकर बीज की नस्लों, मशीनी खेती, कीटनाशकों और खाद का जमकर इस्तेमाल होने लगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओपी चौधरी कहते हैं कि पंजाब अपनी ही कामयाबी का शिकार बना। उस कामयाबी की कहानी कृषि विज्ञानी डॉक्टर कालकट ने लिखी थी। डॉक्टर कालकट कृषि निदेशक हुआ करते थे। उन्होंने जेल परिसर का इस्तेमाल किया। कैदियों से छोटे छोटे पैकेट बनवाए गए। चावल और गेहूं की मेक्सिकन किस्मों के ये पैकेट राज्य के तमाम किसानों में बंटवाए गए। चावल और गेहूं की फसलों की जबरदस्त पैदावार से बड़ी अच्छी कमाई होने लगी। इस वजह से लोग ये फसलें ज्यादा से ज्यादा उगाने लगे और इसकी वजह से मिट्टी को भारी नुकसान हुआ। पानी के स्रोतों पर भी असर पड़ा और मिट्टी छीजने लगी। नतीजा ये हुआ कि भूजल सूखता गया। एक तरफ पंजाब के कुछ हिस्से भूजल के स्तर में अत्यधिक गिरावट से जूझ रहे हैं और उन्हें सिंचाई के लिए बहुत दूर से आने वाले पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, तो दूसरी तरफ पंजाब के कुछ हिस्सों में जल भराव की दिक्कत है। वहाँ भूजल का स्तर काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से भूमिगत नमक सतह पर आ रहा है। ये जमीन को बंजर कर देता है। मुक्तसर, मलोट और फजिलका, इन इलाकों में जल भराव होने लगा है। क्यों? क्योंकि आप भूजल तो खींच ही नहीं रहे हैं। आप हमेशा नहरों से मिलने वाले पानी को ही इस्तेमाल करते हैं और अब तो आप कम पानी खाने वाली कपास की फसल के बजाय चावल उगाने लगे हैं, जिसे एक सीजन में 20 से 25 बार सिंचाई चाहिए। वही कपास का काम 4 से 5 सिंचाई में हो जाता है। तो इस तरह आप पहले से भरे हुए गिलास को ही और भर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे। आप रिचार्ज कर रहे हैं और मुख्य वजह यही है। डॉक्टर प्रभजीत सिंह एक दशक से किसानों की रोजी रोटी बचाने में मदद कर रहे हैं। वे स्थानीय किसानों को श्रिम्प फार्मिंग यानी झींगे की खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंजाब में बेशक 5 बड़ी नदियां हैं, लेकिन मछली पंजाबी खाने का मुख्य हिस्सा नहीं है और सलाइन एक्वा कल्चर के बारे में कल तक तो कोई सोचता भी न था। डॉक्टर सिंह का आइडिया है खारे पानी वाले जमीनी इलाकों को एक्वा कल्चर तालाबों में बदलना, ताकि किसानों की कमाई हो सके। हम लोग कुछ अलग से नहीं जोड़ रहे हैं, जमीन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं। इस जमीन पर पानी जमा है और 5 या 10 फुट नीचे आपको पानी मिल जाएगा। आपके पास पानी है, वो खुद ब खुद रिस भी जाता है, तो हम वाटर लॉगिंग की समस्या को नहीं बढ़ा रहे हैं और पानी नहीं डाल रहे हैं। हम बस यही करते हैं कि जो मौजूदा खारा पानी है उसी में मछली पैदा कर रहे हैं, जिससे इन किसानों की रोजी रोटी चल सके। एक्वा कल्चर तालाब शुरू करने के लिए भारत के तटीय राज्यों से झींगे मंगाए जाते हैं। डॉक्टर सिंह इन्हें भी एक किस्म का बीज ही बताते हैं। कड़े जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल में इन्हें खोदे गए तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2014 में 1 हेक्टेयर खारे इलाके में ट्रायल शुरू हुए थे। इसी जिले में आज 100 से ज्यादा किसान 450 हेक्टेयर पर एक्वा कल्चर फार्म चला रहे हैं। मैं इस चीज की वकालत नहीं करना चाहता कि हमें खारे पानी के तालाब बनाने चाहिए।
लेकिन ये समय की मांग तो है ही, क्योंकि जब आप तालाब के आसपास कैचमेंट बनाते हैं तो आप उसे भर सकते हैं, तालाब बनाने के लिए गहरी खुदाई कर सकते हैं। और फिर हम ये कभी नहीं कहते कि उसमें नमक डालो। अगर कुछ इलाकों में नमक की समस्या और पानी के जमा होने की समस्या एक साथ आ रही है तो एक ही तरीका है निपटने का, खारे पानी का एक्वाकल्चर। इस मामले में बहुत सावधानी की जरूरत है। खेती की जमीन को खारे पानी के तालाबों में कृत्रिम ढंग से बदलने के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। जैव विविधता के नुकसान के अलावा भूजल दूषित हो सकता है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे तटीय देशों में किसान झींगे की फार्मिंग के लिए धान के खेतों में नमक खींचकर लाते हैं। खेती की अच्छी जमीन को श्रिम्प फार्मिंग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आसपास के इलाके भी खारे हो सकते हैं। अगर जानते बूझते उसे अच्छी जमीन पर नीचे से पानी खींचकर किया जाता है तो नुकसान हो सकता है। भूजल का स्तर जहां ज्यादा है और जहां मिट्टी पहले से ही खारी है, पानी भी खारा है, तो वहां श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं। चीन और अमेरिका में भारतीय झींगे की बढ़ती मांग के चलते यहां सालाना 4000 टन झींगा उत्पादन होने लगा है। वैज्ञानिकों के साथ किसानों का सहयोग इकोसिस्टम के संतुलन को और बिगाड़े बिना उन्हें नए हालात में ढाल रहा है।